स्टूडेंट्स, कल हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। रॉलेट एक्ट के पास होते ही महात्मा गांधी जी ने भी जो है अपना रॉलेट सत्याग्रह अनाउंस कर दिया। अब जो है इस सत्याग्रह के लिए चारों तरफ जो है स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गई। अब जो है महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल को अ डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में अनाउंस किया और उस दिन 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल रही बंद रहा। और इसी ऐसे ही सर्कमस्टांसिस में हालात में 10 अप्रैल को 2 लीडर्स जो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू वो अरेस्ट हो गए। जब वो अरेस्ट हो गए उनके अरेस्ट के बाद जो है चारों तरफ पूरे भारत में अब जो है जो अपोजिशन हो गई, लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। और ऐसे ही उन्हीं की अरेस्ट को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द 2 लीडर्स 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक मीटिंग जो थी अरेंज की गई। अब बच्चों 13 अप्रैल हमारा बैसाखी डे भी होता है और पंजाब में तो बैसाखी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। लोग सब बैसाखी मनाने आए थे एंड देयर वाज ए मीटिंग इन द जलियांवाला बाग। अब जो था जलियांवाला बाग में जो था वो मीटिंग थी, सब लोग जो मीटिंग जो भी बैसाखी देखने आते वो जो है जलियांवाला बाग में भी जाते और वहीं पे बैठना शुरू हो गए। और बच्चों अ पीसफुल मीटिंग वाज गोइंग ऑन, देयर वाज नो प्रोवोकेशन, आराम से भाषण हो रहा था। और उस मीटिंग में और उसमें उस डिमॉन्स्ट्रेशन को सुनने के लिए जो बैठे हुए थे वो छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, बूढ़े थे, जवान थे, सभी बैठे थे, आराम से बैठे हुए थे क्योंकि वो तो बैसाखी देखने आए थे, वो तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए ही नहीं थे, वो आराम से भाषण सुन रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ, जनरल डायर केम एंड ही एंटर्ड द पार्क। एंड जब वो पार्क में आया ही क्लोज द ओनली एग्जिट। और बच्चों जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग के जो एंट्रेंस है बहुत छोटी है, एक ही गेट है और जलियांवाला बाग चारों तरफ से जो है वो इसके दीवार है, चारों तरफ दीवार है। अब लो है जो है जनरल डायर ने एंटर किया, ही एंटर विद हिज ट्रूप एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू फायर। उसके जो सिपाही थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो लोग तो हैरान हो गए, जो क्या होना शुरू हो गया, वो तो आराम से बैठे हुए थे, उन लोगों ने गोलियों से बचने के लिए भागना शुरू किया। वो कहां जाते, गेट छोटा सा था और गेट के इधर से गोलियां चल रही थी, उन्होंने भागना शुरू किया। और वो कोई दीवार फांदता और वहां एक बच्चा कुआं था, बहुत से लोगों ने कुआं में कूदते गए, अपने से वो बचने के लिए कूद रहे थे, लेकिन सब मरते गए। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान आज भी वहां पर हैं। और बच्चों द ट्रूप फायर फॉर द 10 मिनट्स एंड 1600 राउंड्स वर फायर एंड विद इन ओनली दिस 10 मिनट्स 1000 पीपल डाइड एंड 2000 वर इंजर्ड। ऐसा हुआ था जलियांवाला बाग में, ऐसे मॉन्स्ट्रस एक्ट के ऊपर होल ऑफ द इंडियन वो जो है अब घरों से बाहर निकल गए, वो हैरान हो गए, ऐसी क्या घटना हो गई। उसमें लोग जो है बड़े जोश में, देयर वॉज ग्रेट अपसर्ज एंड द एंगर्ड पीपल दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब उनको दबाने के लिए सबसे पहले पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब बच्चों मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है कंट्रोल अंडर आर्मी। जब मार्शल लॉ लगता है तब हमारे सिविल लॉ जो होते हैं वो काम नहीं करते। अब हमारे जो मिनिस्टर्स के जो ऑर्डर आते हैं, हमारे डीसी साहब के जो ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर उस समय नहीं आते, उस समय सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी कमांड के ऑर्डर होते हैं और उसे ओबे करना होता है। उस समय मार्शल लॉ लग गया। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो है ये मार्शल लॉ लग गया। अब मार्शल लॉ के तहत जो पुलिस जो पीपल दोज हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अब जो है वो भी बहुत गुस्से में थे, दे वर हैविंग क्लैश विद द पुलिस, वो जो इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब जो है चारों तरफ ब्रिटिशर्स गो बैक के नारे लग रहे थे। अब जो है ऐसे हालात में जो ब्रिटिशर्स ने भी उन्होंने भी बड़े ब्रूटली जो है ब्रूटल रिप्रेसिव मेजर्स लिए और उनको इंडियंस को भी उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की। उस समय लोगों को जो है क्रॉल करने के लिए मजबूर किया गया, जमीन पर नाक रगड़ने को मजबूर किया गया
और उन लोगों को जितने भी पुलिस मैन खड़े थे सभी को सल्यूट करके निकलने के लिए कहा गया। इवन कि वहां अगर कोई पेशेंट होता या प्रेग्नेंट लेडीज को भी क्रॉल करके जाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे हालात थे। ऐसे हालात को जब देखते हुए महात्मा गांधी फेल्ट कि नो सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, तो उन्होंने क्या किया, अपना रॉलेट सत्याग्रह वापिस ले लिया, अपना रॉलेट सत्याग्रह वापिस ले लिया। अब उन्होंने बोला एक वाइड स्केल के ऊपर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब उन्होंने फुल फ्लज बेस अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा ने कहा इफ द ब्रिटिशर्स दे एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया इट दे एस्टेब्लिश्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस, अगर इफ वंस द इंडियन दे स्टॉप कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स विद इन वन ईयर द ब्रिटिशर्स विल गो बैक दे विल गो फ्रॉम द इंडिया। अब जो है सब लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया। अब हर तरफ जहां जो है वो लोगों की जो है ये प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थी। अब लोगों ने क्या करा, जो है जो अपने बच्चे इंग्लिश स्कूलों में भेजने बंद कर दिए, लोगों ने अपने टैक्स पे करने बंद कर दिए। जो इंडियंस जो ब्रिटिशर आर्मी में या पुलिस में थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। अब ब्रिटिश के साथ फुली जो है नॉन कोऑपरेट कर रहे थे। इवन कि हमारे ग्रेट लीडर्स जिनको जो है इन्होंने टाइटल्स दिए थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था, जो है महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल मिला था, इन्होंने अपने टाइटल जो है वो वापस कर दिए। सॉरी, अपने टाइटल जो है वो वापस कर दिए। अब बच्चों ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आप जो है बहुत जोर शोर से आरंभ हो गई। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थोड़ी जगह पे ही नहीं रही, या आप बोलो कि किसी सिटी में एक जगह पे हुई, जो पूरे भारत में हुई, पूरे भारत के शहरों में हुई, पूरे भारत के कस्बों में हुई, पूरे भारत के गांव में हुई। अब हम अब पढ़ेंगे अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर कैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।